तो गूगल सीट की हमारी इस क्लास में हम इंसर्ट मेनू बार डिस्कस कर रहे हैं। इंसर्ट मेनू बार में लास्ट हमारी जो दो चैप्टर हुई थी वो चार्ट्स एंड पिवट टेबल की हुई थी। पिवट टेबल पे हमने एक रिपोर्ट भी बना के देखा था। अब अगले जो पार्ट हुआ था इमेज का, इमेज के बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे और उसके अलावा बाकी जो छोटे मोटे चीजें हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे इमेज, अब गूगल सीट में क्या होता है कि दो चीजें होती है कि कोई पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो ओवर द सेल या इन द सेल, ठीक है। इंसर्ट इमेज इन द सेल पे क्लिक करते हैं और यहां से दो चीजें हैं, आप ड्राइव अपने सिस्टम से अपलोड कर सकते हो, कैमरा से ले सकते हो, किसी ईआईएल से ले सकते हो, फोटोज जो इसकी फोटोज आपके जो ड्राइव में होंगे वहां से उठा सकते हैं, गूगल ड्राइव से फोटो उठा सकते हैं, गूगल इमेज सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैंने सर्च किया और हमने मोदी जी का फोटो लेते हैं, एक आर्टिस्ट है वे उठा लेते हैं और यहां इसको सिलेक्ट किया, यहां इंसर्ट आ गया, इंसर्ट पे क्लिक किया। अब मोदी जी फोटो मोदी जी का देख रहे हैं सेल के अंदर, ये उठ के इधर से उधर नहीं जाएगा, ये सेल के अंदर फिक्स, सेल के अंदर फिक्स हो गया। अगर मान लीजिए मैं सेल को लिंक करता हूं तो क्या फोटो लिंक होगा? जी हाँ, फोटो भी लिंक होगा। ये चीज एक्सेल में नहीं है सर, एक्सेल में जस्ट सेल की वैल्यू लिंक होती है, कोई फोटो लिंक नहीं होती है, राइट सर? लेकिन इसको यहां से किसी को उठाकर मतलब यहां पर रखना हो तो आपको पूरा का पूरा सेल उठा के ले जाना होगा, राइट? अब इंसर्ट में यहां पे अगर हम बात करें इमेज में, इमेज ओवर द सेल जो आ रहा है, ओवर द सेल पे हम क्लिक करेंगे, कैमरा भेज दीजिए, हम कोई सर्च ही ले लेते हैं, यहीं पे वापस मैं मोदी जी का फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट की तरह आया, अब इसको अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग है कि आप रिप्लेस इमेज करें, डिलीट करें, रिसाइज करें, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट डालना है। ओके कर दीजिए, ठीक है, अल्टेक्स इमेज के इसके लिए काम होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, तो यहाँ इसको कर सकते हैं इमेज के, ठीक है, और इमेज को सेल के अंदर ले आते हैं। बट इसमें इमेज में ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि अगर हम बात कर इमेज को, इसको जैसे कि फॉर्मेटिंग वगैरह करना, जैसे कि इसके ऊपर कोई फॉर्मेट करना हो, रोटेट करना हो, नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, इसको देखिए रोटेट भी नहीं, रिसाइज होता है, रोटेट नहीं हो रहा है, बिल्कुल रोटेट नहीं हो रहा है, इमेज खास नहीं है इसके अंदर। और डिलीट करने के भी आपको यहां से डिलीट करना होगा, आपने कीबोर्ड से डिलीट नहीं कर सकते हैं, हो जाता है। तो यहां पे ये होगी इमेज की बात, बात करते हैं ड्राइंग की। तो ड्राइंग में हम जाते हैं तो ड्राइंग में होता है कि आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे लाइन हम यहाँ पे लाइन लिया, ठीक है, इसके अंदर कलर देते हैं, इमेज ले सकते हैं, यहाँ से सैप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने हिसाब से जो ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ कर सकते हो, राइट सर? यस।
ओके यस, और यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपका यहाँ पे आ गया सर। अब इसमें मेरा मेरी कोई बैकग्राउंड जो है इसकी आर्टिस्ट की नहीं है, तो मैं इस पे और ज्यादा आपको अट्रैक्टिव करके नहीं दिखा सकता। अब फंक्शन है तो फंक्शन बड़ा टॉपिक है तो फंक्शन हम करेंगे, फिलहाल स्किप करते हैं। लिंक पे आते हैं। लिंक जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आईपीटी इंडिया हमने लिख रखा है, मैं चाहता हूँ कि इस पे लिंक हो जाए, जब क्लिक करें तो मेरा वेबसाइट iptindia.com खुल जाए, तो इंसर्ट में लिंक है जिसका कंट्रोल के शॉर्टकट है, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए कि www.iptindia.com। आ गया मेरा, अप्लाई कर दीजिए। अब क्लिक करते ओपन हो जाए। अब कोई फाइल की वेबसाइट है, कोई फाइल भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने फाइल का भी करना चाहे तो हम यहाँ कर सकते हैं। इसके ऊपर जाइए यहाँ से इंसर्ट, यहाँ पे लिंक। अब इसमें इसे देखिए बहुत सारे हैं, दिख रहा है सर? यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, सर्च करेंगे तो आपके सिस्टम से जो भी फाइल होगा डेटा होगा वो आ जाएगा, ठीक है? कर्सर रखते हैं, इसके बारे में बताएगा भी कि क्या डेटा है सर। तो ये आपकी इमेज का लिंक का कमाल होता है। उसके बाद आता है चेकबॉक्स, जैसे कोई फॉर्म वगैरह या कुछ ऐसा बना रहे हो तो आप यहाँ से चेकबॉक्स दे सकते हैं। चेकबॉक्स में क्लिक होगा, यहाँ से क्लिक होगा, अनक्लिक होगा, क्लिक होते ही फॉल्स कर लाएगा, ठीक है? क्लिक कर दिया तो सेल की वैल्यू आप देखेंगे, इस पे जब मैं कर्सर रखूंगा तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स कहलाएगा, राइट? तो कोई फॉर्म वगैरह में डेटा वगैरह में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए डेटा हमारा है यहाँ पे और यहाँ पे हम स्टेटस दे देते हैं, ठीक है? इसमें आप यहाँ इंसर्ट म्यूट कर ले प्लीज, चेकबॉक्स कर दिया, इसी को मैं कॉपी करके नीचे तक अगर ड्रैग कर दूं, सबका कॉपी पेस्ट कर दूं, आ गया? तो इसमें क्लिक करेंगे तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, इस तरह से दिख रहा है सर। तो फॉर्म में भी डेटा में भी इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं चेकबॉक्स का। यह आता है पीपल क्लिक, जो क्लिप आर्ट होता है वो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आप पीपल क्लिप डाल सकते हैं, किसी की ईमेल आईडी डालेंगे तो आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ये देव कुमार सिंह जो मेरा है बेटे का है, मैं रख दिया, अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पीपल क्लिक में आप किसी की ईमेल आईडी यहाँ पे आसानी से ला सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे पीपल क्लिप ने किया, अब यहाँ पे डालिए, यहाँ पे हम डाल देते हैं, आ गए इसकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। डायरेक्ट हम टाइप भी कर सकते हैं लेकिन वहां से ईमेल आईडी खुद खुद कर लेता है। कमेंट, किसी भी सेल के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे इसको लिया हमने इंसर्ट कमेंट कर दिया, इंसर्ट कमेंट डाल दिया पीएम ऑफ इंडिया, यहाँ पे कमेंट कर दिया। तो अब जैसे इसके ऊपर कर्सर जाएगा तो मेरा लिखा हुआ टॉपिक आ जाएगा, जिसने भी लिखा है फिर उसकी प्रोफाइल आएगी, जो उसके नीचे उसकी टॉपिक आएगी, एक कमेंट का पार्ट होता है। नोट्स, नोट्स भी सेम होता है कि आप कमेंट की तरह ही होता है कि आप यहाँ पे डाल दीजिए नोट्स, राइट क्लिक यहाँ पे इंसर्ट नोट से भी डाल सकते हैं, दिस इज फाइनल टेक्स्ट। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नोट्स आएगा। तो कमेंट नोट्स में फर्क क्या है, कमेंट नोट्स में बताते हैं किसने कमेंट किया है और नोट्स में ऐसा कुछ नहीं बताया है किसने कमेंट किया है, जो नोट्स होगा वो वहां पे आपको शो कर देगा, ओके? इंसर्ट मेनू बार हमने खत्म कर लिया। अब इसमें एक है जो फंक्शन रह गई है,
तो हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले छोटे छोटे टॉपिक से उसको एक बार देख लेते हैं, फिर फंक्शन पे जाएंगे। फॉर्मेटिंग में अब देखिए, फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, तो फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आता है थीम। अपना जो थीम है वो थीम को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि कैसा थीम होना चाहिए, इस तरह से आप थीम दे सकते हो। डिफॉल्ट जो फाइल फॉर्मेट है, डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है, वो चीजें यहां से चेंज होता है, इसको थीम कहा जाता है। कस्टमाइज भी क्लिक करेंगे तो थीम के अंदर अपनी खुद की चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट ब्लैक है तो टेक्स्ट ब्लैक ना हो, ब्लू हो, देखिए ब्लू टेक्स्ट आ गया। ये थीम आप डन कर दीजिए, थीम चेंज हो जाएगा। थीम में जो डिफॉल्ट चार्ट होता है, चार्ट की कलर होती है, सब कुछ थीम से डिफाइंड होता है। नंबर फॉर्मेटिंग की हम बात करते हैं। अब कोई नंबर हमने मान लीजिए टाइप किया अपने, इस बात में एक नया सीरीज इंसर्ट करता हूँ। नंबर फॉर्मेट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे मान लीजिए हमने कुछ नंबर यहाँ पे टाइप किया हुआ है और यहाँ हमने फॉर्मेट में गए और हमारे पास नंबर फॉर्मेट, सबसे पहले तो ऑटोमेटिक है, जैसे हुआ हो प्लेन टेक्स्ट, मतलब कि नॉर्मल टेक्स्ट, इसमें कोई और चीज नहीं होगी। उसके बाद इसके नीचे अगर हम बात करें बी, तो क्या बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर स्ट्राइक थ्रू करना है, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ भी बताया था आपको, सेम चीज यहाँ भी आता है। अलाइनमेंट में आप लेफ्ट राइट सेंटर टॉप कर सकते हैं, अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। रैपिंग, रैपिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने नाम लिखा, अपना ही नाम लिखा, सुजीत कुमार सिंह। अब इसकी रैपिंग की बात करें फॉर्मेट में, तो अगर मैंने यहाँ पे रैप में ओवरफ्लो कर दिया तो ये ओवरफ्लो चल रहा है, ओवरफ्लो है क्योंकि यहाँ से फ्लो होके दूसरे सेल के अंदर भी चला जाता है। अगर कोई टाइप हम दूसरे सेल में करते हैं तो हाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो दिखेगा। उसके बाद इसी में रैपिंग में आता है, यहाँ पर रैप आता है, रैप कर देंगे तो तोड़ के नीचे कर देगा, मतलब कि रोप को बड़ा कर देगा, तोड़ के नीचे ला देगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लिप की। अगर हमने क्लिप कर दिया तो वो क्या करेगा, वो जो बाय डिफॉल्ट जो कट जाता है वो कट का जाएगा, या फिर किसी सेल इस पर डबल क्लिक, इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा, मतलब कॉलम उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। रोटेशंस, अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट की साइज है हमारा, यहाँ से फॉन्ट की साइज आप सिलेक्ट कर सकते हो, मर्ज सेल तो नॉर्मल ही है। अब इसमें आती है यहाँ पे अल्टरनेटिव कलर, क्लियर फॉर्मेटिंग क्लियर होता है, अल्टरनेटिव कलर कर देंगे तो क्या होगा, एक कलर होगा एक कलर नहीं होगा, जो कि जनरली टेस्ट इसमें होता है, टेबल में होता है। अब इसमें जो अगला टॉपिक है फॉर्मेटिंग में, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज होता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आपकी जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए, जैसे कि मैं एरिया रख रखा है यहाँ पे इज नॉट इम्पैक्टिंग, इसके जगह पे इतने सारे आपके कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा है, डेटा इज बिफोर आफ्टर, ये देखिए टेक्स्ट का हो गया, ये आपका डेट्स के हो गया, ये आपके नंबर्स में हो गया, जैसे मैं बोला कि ग्रेटर देन और यहाँ पे हमने डाल दिया 50, और यहाँ जो कलर है वो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट हटा के मैं रेड कर देता हूँ, तो जो 50 से ऊपर है ऑटोमेटिक रेड हो गया। कलर स्केल अगर करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर स्केल ले सकते हैं कि कलर स्केल होना चाहिए, कलर स्केल में क्या कलर होनी चाहिए, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या कलर होनी चाहिए, इस तरह का स्केल होना चाहिए। ओके, और मिनिमम वैल्यू पे होनी चाहिए, परसेंटेज पे होनी चाहिए, नंबर पे होना चाहिए,
या ऐड अनदर रूल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे और दूसरी रूल को ऐड कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम आपको डिटेल में कल पढ़ाएंगे, फिलहाल मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है क्या होता है। टॉपिक होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, उसके बाद फिर हम फॉर्मूले पे चलेंगे, फिर हमारी कुछ क्लासेस फॉर्मूले पे डिपेंड होगी, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे डेटा मेनू बार, जहाँ पे हम डेटा से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे फिल्टर स्लाइसर वगैरह चीजें जो हम ऐड करेंगे, देन टूल्स में हम आएंगे। इसी में आपको जो है ठीक है, तो मिलते हैं कल।